अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की, जिसमें हमने क्या करना है कि पार्ट नंबर 5 है 3x³y ((x-3y) - 7x²y²) ((x-3y)। अब इनमें से हम देखेंगे कॉमन हम क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स क्यूब इधर है, इधर एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर जो पावर में छोटी है उसको हम कॉमन लेंगे, और वाई स्क्वायर है और वाई है तो वाई छोटी है, वाई कॉमन आएगा, यानी एक्स स्क्वायर वाई कॉमन आएगा और साथ एक्स के एक्स माइनस थ्री वाई दोनों तरफ है वो कॉमन आ जाएगा। तो बाकी हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 3x, यानी एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो एक्स की पावर 1 बचेगी, और एक्स माइनस थ्री वाई ये जो कॉमन आ चुके हैं तो लिहाजा वाई भी कॉमन आ चुके हैं, और यहाँ पर फिर बाकी बचेगा -7x² चूँकि कॉमन आ चुके हैं, और वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन आया तो लिहाजा वाई बचेगा, यानी ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे (x²y)((x-3y)((3x-7y)। तो ये आपका आंसर होगा। बाकी जो पार्ट नंबर 4 और 6 हमने छोड़ा है ये आप लोगों ने खुद इसी तरह सॉल्व करने हैं। तो लिहाजा अगर फिर भी आपको इन वीडियोज़ के ज़रिए किसी भी सवाल की समझ नहीं आई तो नीचे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, इस नंबर पर आप लोग रब्ता करके आप अलहदा से पूछ सकते हैं। 03-01-630-2388। अगर किसी बच्चे को ना समझ आई हो तो वो अलहदा इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे और अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर कर लेंगे। तो जिस तरह ये सॉल्व किए गए हैं तो आपने होमवर्क भी इसी तरह सॉल्व करने हैं, और एट द एंड जब एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो फिर इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।